बहुत बार मैं अगर ये कहूँ कि भोपाल मेरा दूसरा घर है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने सारे दोस्त, मीडिया के दोस्त मेरे दोस्त हैं, इवेंट्स वाले, राजनीतिक मित्र मेरे बहुत सारे। वर्तमान राजनीति का परिदृश्य है उसके बारे में क्या कहना आपका? राजनीति में मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं, आपका क्या? आपको तो कमेडियन तो कहीं भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। राजनीति हमें हमेशा उतार चढ़ाव चलते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो वर्तमान परिदृश्य है कैसे आ रहा है, भाई अच्छा चले, कुछ नहीं किया अच्छा जा रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि देश की जनता से ही नेता चुने जाते हैं, मंत्री चुने जाते हैं, तो जहाँ पर जनता की मर्जी है वहाँ सब नहीं, सरकार बनाने के लिए मर्जी मतलब नहीं, सरकार बनाने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या करना, प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के लिए, इस तरह गालियां दे लोग, प्रयास जो है मुझे लगता है कि अच्छा है, राष्ट्र की राजनीति अच्छी कोशिश कामयाब रहेगी। जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है? तो कोशिश चल रही है, अगर कुछ गलत होना होता तो अब चुका वक्त हो चुका होता, लेकिन समय मिल के अगर सोच रहे हैं कोई उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो सही दिशा में जाएंगे। जो राजनीति चल रही है आपकी दिशा में चल रही देश में, वो सही है, जो जनता ने चुन कर दिया है, तो मैं समझता हूँ जनता की मर्जी के आगे तो नहीं। आपकी स्टाइल में अगर महाराष्ट्र की राजनीति को व्यक्त करना हो तो कैसे करेंगे? जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, हेलो माय महाराष्ट्र। आप आनंद भाई के पास आए हैं, कौन से रिश्ते में? एक कॉमेडियन का आनंद से क्या रिश्ता हो सकता है? नहीं, आप बुलावे से आए हैं, दोस्त के निभाने आए और इन्होंने जिनके मैं ही नहीं बॉम्बे में जाने का लगा रहे सब दोस्त हैं, कॉमेडी में जॉनी देवल साहब के दोस्त हैं, जॉनी का घर में से मुझे मुलाकात हुई थी, राजपाल यादव के दोस्त हैं, कपिल शर्मा इनके दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ये अपने कार्यक्रम में जैसे जो काम कर रहे हैं उसको जब भी कोई कोई फंक्शन होगा कोई अगर का दोस्त आएगा। आज के पहले ऐसा जिक्र नहीं हुआ भाई, आप मौका नहीं मिला, यहाँ आने का मौका नहीं मिला, भोपाल में कई बार आया हूँ, वहाँ मेरे से मिलने आते थे, और मोहित तो मैं मेरा कलाकार भी है, दोस्त भी, छोटा भाई भी है, तो जब मौका मिलेगा तभी हम लोग सामने आएंगे, और क्योंकि ये भी बिजी रहते हैं, और मैं तो मुंबई में रहता हूँ, भोपाल में एक जगह पे आने का ये सौभाग्य मिला मुझे, मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा यादगार। खत्म हो जाना चाहिए, ये सरकार खत्म करे या कोई खत्म करे वो बात की बात है, हमें खुद समझना चाहिए। जैसे मैं शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, और मुझे काम करने का मजा आता है, सबसे बड़ा नशा है अपने काम का नशा। अगर आप ईमानदार से अपना काम कर रहे हो तो उस काम से, उस नशे से आप भी खुश हो रहे हो और समाज भी खुश हो रहे हो। हमारे आनंद भाई है, काम का नशा, काम का नशा कीजिए, काम का नशा। आपने हजारों कार्यक्रम किए होंगे, सबसे अच्छा मजा कहाँ पर आया? क्या भोपाल को देखते मत भूलिएगा? मैंने जब सबसे ज़्यादा कार्यक्रम मुझे मज़ा
उसके बाद महाराष्ट्र और फिर एमपी देखा गिने चुने चार जो पांच शहर में शुरू हो गए तो टॉप फाइव में हमारा पूरा एमपी ही है अभी आई ना बिग बॉस फिल्म आई है यूट्यूब पर अभी आप देख सकते हैं वो जरूर देखिएगा बिग बॉस और मैं भी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हूँ सुनील पाल की चौपाल मेरा यूट्यूब चैनल भी है वो भी सब्सक्राइब कीजिए और मैंने आपके कॉमेडी सुनने के लिए देखी बिग बॉस में आपने कैसा शेयर किया क्या क्या लगा कॉमेडी फिल्म अभी काला पिक्चर आई थी पूजा सुमन आई थी वैसी फिल्म है बिग बॉस जरूर पसंद आएगी आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे बड़ा मजा आएगा पारिवारिक फिल्म है किसी के साथ भी देख सकते अच्छा एक बिग बॉस जो शो चल रहा है उसको आप क्या बोलेंगे जो थोड़ा सा पारिवारिक से हटके हो गया है कि बैट शेयर तक पहुंच गया है इस तरीके का बिग बॉस का दूसरा पहला और दूसरा दो सीजन तीसरा तीन सीजन देखे थे उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया टाइम ही नहीं मिलता है तो अभी करंट में क्या हो रहा है मुझे बट लोगों की सुना है कि लोग देखिए समाज से बच्चे